दोस्तों, मुंबई से एक दुखद घटना सामने आई है कि आए बाबा सिद्दीकी, जो कि एनसीपी अजीत पवार गट के एक नेता थे, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूँ खिलाफत टाइम्स में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई है मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, ये तीन लोग थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी, कई राउंड फायरिंग चलाई, कुछ गोली जो है उनके सीने पर लगी और उसके बाद घायल होने के बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन भर्ती करते करते वक्त उनकी सांसें बहुत चल रही थी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टरों से पुष्टि होने के बाद में पुलिसों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी का डेथ हो गई है, वो इंतकाल उनका हो गया है। इस वजह से ये सारा मामला अभी क्या है अभी सामने नहीं आया, वो कहाँ के थे क्या थे अभी पता चल चुका है। वो दो लोग जो है बताया जाता है कि तीनों भी जो फायरिंग करने वाले थे, ये जो शूटर थे, ये तीनों भी महाराष्ट्र के बाहर के थे और इस समय पुलिस का बहुत ही कड़ा बंदोबस्त है अभी इनके ऑफिस के सामने, जो कि एक मंदिर है उसके सामने ये फायरिंग हुई। और बताया जाता है कि एक गोली जो है बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती कराने के बाद उनकी स्थिति नाजुक थी और इसके चलते उनका देहांत हो गया।